नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। सारा अली खान ने करीना कपूर के बारे में बड़ा राज खोला है। जी हां, सारा ने पहली बार टेलीविजन में अपनी मां करीना कपूर खान के बारे में बात की है। आपको बता दें कि इस रविवार को सारा अली खान कॉफी विद करण में नजर आई थी और सारा अली खान के साथ थे उनके पिता सैफ अली खान। सैफ अली खान और सारा अली खान बतौर मेहमान इस शो में नजर आए। शो के दौरान सारा और सैफ ने कई बड़ी बातों का खुलासा किया। सारा अली खान ने बताया कि उनके और उनकी सौतेली माँ करीना कपूर खान के कैसे रिलेशन हैं। दरअसल फैंस जानना चाहते हैं कि सारा अली खान का उनकी सौतेली माँ करीना कपूर खान के साथ कैसा रिलेशन है। लंबे समय से इस बात पर चर्चा होती रही, कई बार अफवाहें भी आई, लेकिन तमाम अफवाहों पर अब सारा अली खान ने विराम लगा दिया है। सारा अली खान ने शो के दौरान कहा कि करीना के साथ मेरा रिश्ता दुविधा वाला बिल्कुल भी नहीं है। करीना बेहद समझदार है और वो मुझसे कहती है कि तुम्हें एक बहुत अच्छी माँ मिली है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहें। सारा ने ये भी बताया कि करीना ने कभी उन्हें ये तक नहीं कहा कि वो उन्हें छोटी माँ कहे और ना ही करीना ये चाहती है कि सारा अली खान उन्हें आंटी कहे। करीना कपूर ये चाहती है कि दोनों दोस्त बनकर रहें, इसलिए सारा अली खान करीना कपूर खान को अपनी सौतेली माँ नहीं बल्कि दोस्त के रूप में मानती है, बल्कि दोस्त मानती है। यही वजह है कि सारा अली खान और करीना कपूर खान दोनों बेहद अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच में एक अलग बॉन्डिंग है। यही वजह है कि करीना कपूर खान की सारा अली खान के साथ काफी अच्छी बनती है। सारा ने शो के दौरान ये भी बताया कि मेरे पिता सैफ ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि करीना तुम्हारी दूसरी माँ है। पापा ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि इस रिश्ते को लेकर कोई भी असहज महसूस ना करे। सारा अली खान को कभी फोर्स नहीं किया गया कि वो करीना कपूर को माँ कहे। यही वजह है कि सारा अली खान करीना कपूर को करीना ही कहकर बुलाती है। दोनों बेहद स्पेशल दोस्ती शेयर करते हैं और दोनों की बॉन्डिंग अक्सर दिखाई भी देती है। बहरहाल अगर सारा की बात करें तो सारा की केदारनाथ जल्द ही रिलीज होने वाली है। केदारनाथ के साथ साथ सारा सिम्बा फिल्म में भी नजर आएगी। इस फिल्म में उनके साथ रणवीर सिंह नजर आएंगे। अगर बात केदारनाथ की करें तो केदारनाथ में वो सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट दिखाई देगी। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।